वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम लोग जानेंगे ब्रिजर के बारे में, जिसको हम लोग बकाडी ब्रिजर के नाम पे जानते हैं। एक छोटा सा टैनी सा प्रीमिक्स एक ड्रिंक है जिसके ऊपर बहुत सारा मिथ काम करता है। मतलब ब्रिजर के बारे में हम लोगों का बहुत सारा गलत धारणाएं हैं, जैसे कि अगर आप नॉन अल्कोहलिक है तो आप ब्रिजर पी सकते हैं। हालांकि हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि ब्रिजर एक अल्कोहलिक ड्रिंक है। और भी देखा गया है कि ब्रिजर में अल्कोहलिक परसेंटेज बहुत कम रहता है कि कोई भी पी सकता है, ये बच्चा भी पी सकता है। बकाडी ब्रिजर को लेकर ऐसे भी बात सुना गया है कि ये एक्चुअली बकाडी से बनता है, माने बकाडी बकाडी मतलब बकाडी रम से बनता है। कितना जानते हैं अब बकाडी ब्रिजर के बारे में, क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, चलिए इस वीडियो के दौरान हम लोग यही सब जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली अ बकाडी ब्रिजर। आगे बढ़ते हैं। बकाडी ब्रिजर इज अ लो अल्कोहलिक बेवरेज, यानी लैब LAB लैब कैटेगरी में आता है। जैसे कि विस्की, राम, जीन, वोडका, ब्रेंडी, ये सब तो आप जानते हैं, ये अल्कोहल का एक कैटेगरीज होता है। तो उसी कैटेगरीज को डिवाइडेड करते हुए बकाडी का जो ये ब्रिजर है, ये कुछ अलग कैटेगरी को जेनरेट किया है। और बकाडी इज द फर्स्ट कंपनी जो इस कैटेगरी में ऐसा ड्रिंक इन्वेंट किया है। तो इसीलिए बकाडी का ये जो लैब प्रोडक्ट है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर मैं आपको सीधा सीधा समझाऊं तो बकाडी ब्रिजर एक प्रीमिक्स कॉकटेल है, एक छोटा मोटा कॉकटेल है जिसको ऑलरेडी सब कुछ इंग्रेडिएंट्स डाल के पैकेजिंग करके आपके सामने देता है। ये आप कुछ हद तक बियर भी बोल सकते हो, क्योंकि इसका जो परसेंटेज ऑफ अल्कोहल है ये 4.8 है इंडिया में। बकाडी ब्रिजर को 2002 में इंडिया में लॉन्च किया गया था और वो शहर था मुंबई शहर। और सून इट इज रिकॉग्नाइज्ड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट, बिलीव मी। ये यूथ में इतना पॉपुलर क्यों हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण था कि ये अल्कोहलिक ड्रिंक को जब भी आप पीते हैं तो आपको बिल्कुल नहीं लगता है कि आप अल्कोहल पी रहे हैं। हालांकि आपको वो इफेक्ट जरूर देता है जैसे अल्कोहल पीने के बाद होता है, बहुत कम एज कम्पेयर टू एनी अल्कोहल। यूजुअली हम लोग इसको बियर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो कैटेगरी है ऑलमोस्ट बियर जैसा है, मगर इसमें कुछ ट्विस्ट है। वो क्या ट्विस्ट है वो थोड़ा जानते हैं। बकाडी ब्रिजर का जो इंग्रेडिएंट्स है उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें लिखा है कि कार्बोनेटेड वाटर, शुगर, न्यूट्रल स्पिरिट, जी हाँ न्यूट्रल स्पिरिट, और एसिडिटी रेगुलेटर्स। और ये न्यूट्रल स्पिरिट देता है, इसीलिए आजकल बकाडी ब्रिजर में आपको वो बकाडी का सिंबल दिखता नहीं है। क्योंकि आफ्टर लॉन्चिंग बकाडी ब्रिजर सब सोचने लगे थे कि ये प्योरेस्ट बकाडी व्हाइट रम से बनाया गया एक ड्रिंक है, मगर वो गलत था। अभी इस ड्रिंक को बनाने के लिए न्यूट्रल स्पिरिट को यूज किया जाता है, और न्यूट्रल स्पिरिट का डेफिनेशन तो आप जानते हैं, ये कोई भी स्पिरिट हो सकता है, वो आप माल्टेड बार्ली से ऑप्टेन किए हुए कोई अल्कोहल हो सकता है, या मोलासेस से हो सकता है, या आपका कोई कॉर्न से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो न्यूट्रल स्पिरिट का अगर थोड़ा सा खुल के बताऊं तो ये वोडका भी हो सकता है और ये ब्रांडी भी हो सकता है। मतलब इसमें मतलब बकाडी ब्रिजर में क्या डाला गया है ये आप नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता हूँ। तो आगे से ये ख्याल अपने मन में मत रखिएगा कि इसमें बकाडी मिला हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एसिडिटी रेगुलेटर्स को यूज किया जाता है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि इसका इंग्रेडिएंट्स में ये जो कलर आपको दिखता है ये जनरल और नेचुरल फ्रूट्स का जूस नहीं है, ये आर्टिफिशियल है और सिंथेटिक भी है। ये एसिडिटी रेगुलेटर के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो आप समझ जाएंगे कि क्या है। एसिडिटी रेगुलेटर एक्चुअली कंट्रोल करता है पीएच को, मतलब आप बोल सकते हो कि ये एक फूड एडिटिव्स है जो यूजुअली मेंटेन करता है पीएच लेवल को, और वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है या मिनरल एसिड भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर या डिमांड के ऊपर। इतना जान लीजिए कि बकाडी ब्रिजर के अंडर में जो फ्रूट कंपोनेंट्स है वो मोस्टली आर्टिफिशियल है, कुछ स्पेशल फूड एडिटिव्स को यूज किया जाता है। बकाडी ब्रिजर का जो प्राइस है वो 100 से लेकर के 150 तक है। इनिशियल स्टेज में जब इसको लॉन्च किया गया था तब 3 फ्लेवर के साथ लॉन्च किया गया था, वो था ऑरेंज, क्रैनबेरी एंड लाइम, बट अभी आपको काफी सारा वैरायटी मिल सकता है। नाउ ये क्वेश्चन आता है कि क्या बकाडी ब्रिजर हेल्थ के लिए अच्छा है। अक्सर ये हम सुना करते हैं, मगर आपको बोलना चाहूंगा कि जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एज लाइक बियर जैसा ही एक्ट करता है। चलिए तो जानते हैं कि क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेज है बकाडी ब्रिजर को लेकर। चलिए
एडवांटेज में मैं बोलूंगा बकाडी ब्रिजर जो है ये काफी सारा वैरायटी आपको ऑफर करता है, बहुत सारा फ्लेवर में आपको मिलता है, आपको जो मर्जी आप वहां पर जा सकते हैं। साथ साथ सेकंड एडवांटेज ये है कि अगर अभी तक आपने कभी भी अल्कोहल ट्राई नहीं किए तो आप अगर चाहते हैं अल्कोहल ट्राई करना तो आप बकाडी ब्रिजर के साथ जा सकते हैं, क्योंकि बकाडी ब्रिजर जो है आपको वो जो अल्कोहल का जो बैड ओडर है, बैड स्मेल है, वो कभी रियलाइज नहीं कराता है। आप बिल्कुल फील नहीं करोगे वो बैड ओडर या बैड स्मेल यू नो अल्कोहल का। इवन आप अगर कंज्यूम कर भी लेते हो तब भी आपका मुंह से वो जो स्मेल है, वो अल्कोहल का जो बैड स्मेल है, वो कभी नहीं निकलेगा। साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि ये और एक एडवांटेज है, अगर आप पार्टी करने जाते हो और बिल्कुल आप यू नो इंटॉक्सिकेटेड नहीं होना चाहते हो, हालांकि आप पूरा एंजॉय करना चाहते हो पार्टी, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बकाडी ब्रिजर के साथ जा सकते हो, क्योंकि अल्कोहल परसेंटेज बहुत कम है तो आपका चांसेस जो है इंटॉक्सिकेशन का बहुत कम हो जाता है। हालांकि याद रखिएगा ये बात कि ज्यादा पीने से बिल्कुल होगा, क्योंकि ये अल्कोहलिक प्रोडक्ट है। और डिसएडवांटेज का बात करूं तो लिस्ट कुछ ज्यादा ही लंबा है, फिर भी मैं दो चार आपको बोल देता हूं कि ये जो अल्कोहल है ये सेम रिएक्ट करता है बियर की जैसा। अगर आप ये सोच के चलते हैं कि ये एक लैब कैटेगरी का है और इसमें रिएक्शन काफ़ी कम है, तो ये आप गलत करेंगे। अगर आप कंटिन्यू पीते रहेंगे तो तुरंत आप इंटॉक्सिकेशन का शिकार भी हो जाएंगे। सेकंड थिंग्स जो है मैं बोलूँगा कि ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है कॉकटेल बनाने के लिए, क्योंकि अक्सर जो अल्कोहल को हम लोग यूज़ करते हैं कॉकटेल को बनाने के लिए, ये अल्कोहल से आप कॉकटेल नहीं बनाओगे, क्योंकि ये ऑलरेडी एक प्रीमिक्स ड्रिंक है, तो ये गुड चॉइस नहीं होगा कोई भी कॉकटेल को बनाने के लिए। थर्ड पॉइंट में मैं बोलूंगा कि ये इसका जो अवेलेबिलिटी है ये काफी हद तक आपको निराश कर सकता है, क्योंकि अक्सर ये प्रोडक्ट मिलता नहीं है। सो रिकमेंडेड है अगर आपके मन में ये ख्याल है कि बकाडी ब्रिजर में उतना अल्कोहल नहीं होता है, तो ये आप गलत कर रहे हैं। आगे से जब भी बकाडी ब्रिजर पीजिएगा ध्यान रखिएगा ये बियर जैसा ही इफेक्ट लाता है। और तो और मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अल्कोहल पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं, मगर ऐसा सिचुएशन आपके ऊपर आ गया है कि आपको अल्कोहल पीना ही पड़ेगा, या वो आपका पार्टी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो आप थोड़ा सा बकाडी ब्रिजर ट्राई कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि आपको इंटॉक्सिकेटेड करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा बकाडी ब्रिजर। सो दिस इज ऑल अबाउट बकाडी ब्रिजर ड्रिंक। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और फ्रेंड के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। सी यू वेरी सून विद अ न्यू कॉकटेल, न्यू मॉकटेल। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, प्लीज ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली। टाटा।